अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है सेक्शन 10 स्टे ऑफ सूट सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का, ठीक है। इसको देखते हैं कि इसके बेरेफ में क्या कहता है कि जो जनरल बता देती हूँ कि एक मुकदमा है, एक अदालत में एक मुकदमा दायर किया गया है, ठीक है, जिसमें सेम पार्टीज़ हैं, सेम टाइटल्स हैं और उसी तरह ही वही डायरेक्टली और सब्सटेंशली इन इशू है। और जो कोर्ट थी, जो जिस कोर्ट में पहले से मुकदमा दायर था, वो भी कम्पिटेंट है और अभी जो कोर्ट है वो भी कम्पिटेंट है। और ये जो कोर्ट है ये पाकिस्तान में कोर्ट होनी चाहिए या पाकिस्तान की हदूद में होनी चाहिए, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने या जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको जुरिस्डिक्शन दी हुई हो कि आप ऐसे सूट्स देखोगे, ठीक है। तो क्या होगा कि जब एक मुकदमा पहले से चल रहा है और दूसरा उसी तरह ही सेम काज ऑफ एक्शन पे मुकदमा आ जाए, तो उसको से क्या कर दिया जाता है, उस पर बार लगा दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है कि एक मुकदमा तो चल रहा है, आप दूसरा इस तरह का मुकदमा नहीं ला सकते, ठीक है। यानी कि असल में ये काम इसलिए किया जाता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को रोकने के लिए। जहाँ पर एक अदालत काम कर रही है तो आप उस तरह नहीं ला सकते दूसरा। तो देख लेते हैं इसके एसेंशियल कि सेम मैटर इन इश्यूज़ हैं, ठीक है, सेम पार्टीज़ हैं वहाँ पर, फिर सेम टाइटल है उस सूट का और प्रीवियस सूट मस्ट बी पेंडिंग। एक सूट जो था जिसमें ये सारी चीज़ें सेम सेम है वो पेंडिंग है, ठीक है, कोर्ट ने उस पर फैसला करना है। और कम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट यानी कि जिस कोर्ट के पास पेंडिंग है वो कम्पिटेंट कोर्ट है, ठीक है, यानी कि वो उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है कि उस सूट को देखा जाए। फिर इसकी एक्सप्लेनेशन में एक बात कह दी है कि नॉट अप्लाई ऑन फॉरेन कोर्ट्स, यानी कि जितनी भी कोर्ट्स हैं जो जिसको पाकिस्तान ने नहीं बनाया, ठीक है, या पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने या प्रोविजनल गवर्नमेंट ने या सुप्रीम कोर्ट ने जो कि उसको नहीं बनाया, तो वो क्या होगी, वो फॉरेन कोर्ट्स हो जाती हैं। और फिर जो सिविल ऐसा जो सूट होगा उसको फॉरेन कोर्ट के अंदर अगर लेके जाए तो उस पर बार नहीं है, ठीक है, और लेकिन अगर पाकिस्तान में इस तरह का सूट लेकर आए तो फिर उस पे बाहर है, यानी कि एक सूट पहले से दायर था दूसरा उसमें ले आए। अप्लाई ऑन सिविल सूट सिविल अपील और सिविल प्रोसीडिंग, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड में हम बन रहे हैं, तो ये जो रेस जुडिकाटा रेस सब जुडाइस है ना, यानी कि स्टे ऑफ सूट या रेस सब जुडाइस भी इसको कहते हैं, ये जो रेस सब जुडाइस है इसको सूट्स पे, अपील्स पे और प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई किया जाता है, लेकिन सिविल नेचर का होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और मुझे फीडबैक लाजमी दें, बेल आइकन लाजमी क्लिक करें।